गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। तो आज सभी मंदिर जा रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी जा रहे हैं आज मंदिर, आप लोग भी जा रहे होंगे। तो मम्मी भी रेडी हो रहे हैं, मम्मी और मैं जा रहे हैं मंदिर। तो आज मेरे बहुत टाइम बाद सूट पहना है, सूट आई होप अच्छी लग रही होंगी, और मम्मी भी तैयार हो गए हैं। तो हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। कहाँ पर जाएंगे मम्मी हम मंदिर? पास वाले में, बड़े वाले में नहीं जाना। चलो मम्मी बता, कैसी लग रही हूँ मैं? है अच्छी लग रही है, अच्छी अच्छी लग रही हूँ। हाँ। प्लीज आप भी बता रहा मुझे कमेंट करके कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने सूट पहना है, पहनती भी हूँ ना मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे दूध वगैरह भी नहीं मिल रहा क्या मम्मी? भंडारा भंडारा भी लग रखा, भंडारा लगे मतलब कहाँ पे लगाए? तो मम्मी ने तो आज व्रत रखा ही नहीं गाइस, क्योंकि ना मम्मी भूल गई। मम्मी ने सुबह ना चाय और गरम चाय के साथ ना बिस्किट खा लिए, और मम्मी को याद ही नहीं रहा। मम्मी ने तो व्रत ही रखा अपने लिए, तो मम्मी भूल गई। तो अब मम्मी मंदिर जा रही है, बस अब खा लिया, अब तो व्रत रखना नहीं है। मम्मी ने नहा धो गए, मम्मी से पहले नहा गई थी आज तो मैं ना मम्मा। आज सुबह सुबह उठ गई गाइस, और सुबह सुबह नहा गई, मम्मी से पहले नहा गई। मम्मी भी देख के हैरान हो गई कि मैं नहा कैसे गई आज जल्दी उठ के, है ना मम्मी? हाँ। मम्मी भी मेरे बाद नहाई है, बताओ, वरना मैं हमेशा 11 बजे उठती हूँ या 12 बजे उठती हूँ। मम्मी तो आज कितना सरप्राइज हुई पता, मैं नहाई सुबह तो बहुत सरप्राइज हुई। देखा गाइस, मम्मी बहुत सरप्राइज हुई आज सुबह सुबह नहाई तो। ये सूट वैसे ना साक्षी का है, बड़ा ढीला सूट है उसका, देखो ढीला ढीला सा आ रहा है मेरा तो, ढीला आ रहा मुझे, ढीला आ रहा है। बट मेरे को खुले सूट ही तो पहुंच गए फाइनली, पर ना यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। कैसे जाएगी मम्मी अंदर? ये देखो गाइस भीड़ है यहाँ पे, भीड़ और रखी है। हमने घुस गए एक शॉप में फूड वगैरह लेने के लिए, ये देखो गाइस मैं तो मंदिर से वापस आ गई। आप सोच रहे होंगे मैं अकेली क्यों आई हूँ, तो मम्मी को मैं वहीं छोड़ के आ गई, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बाहर से मत्था टेक के आ गई, क्योंकि वहाँ पे खड़े खड़े ना शाम हो जाती, बिल्कुल सच में शाम हो जाती। तो मम्मी तो आ जाएंगी, आंटी के साथ आ जाएंगी वो। और ज़रूरी नहीं है कि मंदिर अंदर जाके मत्था टेको तो ही दर्शन होता, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान हर कहीं होते हैं। तो मैं बाहर से मत्था टेक के आ गई, तो मेरा मानना तो यही है, फिर मैं वापस आ गई। अब रास्ते में पहुँचती हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ घर, घर आइए। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की फौज आ रखी है, ये देखो सारे छोटे छोटे बच्चों की फौज आ रखी है, ये देखो इनके साथ खेल रहे हैं, प्यारा नहीं पारे ये वो है ओ बच्चा बाड़ी, ये तो लगे हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में, डॉगी के बच्चों के साथ। चलती हूँ अंदर, फाइनली आई है वहाँ से, कहाँ से आई है? मंदिर से आ गई है मम्मी, इतनी देर बाद आई है। अब आइए देखो मैं कब क्या रखी हूँ, और मत्था टेक लिया था देख। हाँ। पूरे दो घंटे बाद आई है मम्मी वहाँ पे, इतना टाइम लगा लिया, मैं बोला था आपको बहुत टाइम लगेगा। तो वो मत है मनो, तब हिंदी बोलो, हिंदी आती है समझ, प्लीज प्लीज स्पीक इन हिंदी। अरे वो वहाँ पर वो शिव जी के वो नाच गाना हो रहा था, इसलिए मम्मी उसको देखने लग गई, शिव जी पार्वती काली मैया सबके। और मम्मी भांग के पकौड़े भी लेकर आई, वहाँ पे मिल रहे हैं।